Welcome to Mishika classes. Our today's topic is Stadiums of World. Let's learn some interesting fact about Stadiums of World. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. First question is, where was the first T20 World Cup was played? First T20 World Cup kis stadium mein khela gaya tha sabse pehle? The place was Wanderers Stadium that was in Johannesburg, South Africa. It was not only the first T20 World Cup stadium, but the place where 400 plus total chased out one day international game was also held in this particular stadium. T20 World Cup सबसे पहला जो खेला गया था that was in the Wanderers Stadium, Johannesburg, South Africa में खेला गया था. In year 2007 में, ओके, ये सिर्फ वो स्टेडियम नहीं है जहां पर T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला गया था, बट ये वो प्लेस भी है, ये वो वाला स्टेडियम भी है जहां पे 400 प्लस स्कोर्स किए गए थे इन वन डे इंटरनेशनल मैच, यानी कि ओडीआई वन डे मैच जो होते हैं उसमें 400 प्लस स्कोर्स भी इसी पर्टिकुलर ग्राउंड में ही किए गए थे इन द ईयर 2006 बाय द टीम ऑस्ट्रेलिया एंड द टोटल स्कोर्स वाज 434. तो वॉन्ड्रे जो ये वॉन्ड्रे स्टेडियम है दैट इज फेमस नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप बट आल्सो फेमस फॉर द 434 स्कोर्स और क्रिएटेड बाय द ऑस्ट्रेलिया टीम इन द ईयर 2006 इन वन डे इंटरनेशनल गेम. नेम द पर्सन ऑन व्हिच परमादी स्टेडियम्स नेम्ड आफ्टर. जो परमादासा स्टेडियम है वो किसके नाम पे रखा गया है? The name of that person was the former president ke name par hi rakha gaya tha and the name of the president was the Rana Sinha Paramadasa. The president jo rahe the that was from the year 1989 to 1993 tak rahe the and the stadium was established in the year 1986 and the stadium was renovated in year 2011 for the ICC World Cup which was hosted by the Sri Lanka along with India and Pakistan. ये जो स्टेडियम का नाम है ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रामा सिंह परमादासा के नाम पे रखा गया है. ये जो प्रेसिडेंट रहे थे दैट इज फ्रॉम द ईयर 1989 से 1993 तक इनका जो लाइफ स्पैन था. 1986 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और जो स्टेडियम है ये रेनोवेट किया गया था इन द ईयर 2011 ICC World Cup होने थे इसलिए इसको रेनोवेट किया गया था जो कि श्रीलंका को होस्ट कर रहा था अलोंग विद द इंडिया एंड बांग्लादेश. वेयर इज न्यास स्टेडियम कहां पर है? एंड इट इज अ वेरी वेरी फेमस स्टेडियम बिकॉज देयर वाज द 1000th टेस्ट मैचेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टेडियम एंड इट वाज इन हैदराबाद पाकिस्तान. जो न्यास स्टेडियम है यह हैदराबाद पाकिस्तान के अंदर है. ओके, और ये सिर्फ फेमस क्यों है? ये फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ पर 1000 जो टेस्ट मैचेस थे क्रिकेट हिस्ट्री के वो यहाँ पर खेले गए थे एंड द फुल नेम वाज द अरबाब नियाज स्टेडियम. वेयर इज द बेलेवर ओवल स्टेडियम? बेलेवर ओवल स्टेडियम कहाँ पर है? इट वाज इन द हॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया. बेलवर्न होबल स्टेडियम जो है हॉबर्ट ऑस्ट्रेलिया में है. इसका नेम जो है वो बिकॉज ऑफ इट्स शेप है दैट वाज इन द ओवल शेप एंड इट वाज द सिक्स्थ ग्राउंड ऑफ द ऑस्ट्रेलियाज टेस्ट मैचेस. जो टेस्ट मैचेस की जो सीरीज खेली गई थी उसमें सिक्स नंबर पे आता है. नेम द क्रिकेट स्टेडियम हु होस्टेड 1956 ओलंपिक गेम्स एंड 2006 वर्ल्ड कप कॉमनवेल्थ गेम्स आल्सो. ऐसा कौन सा क्रिकेट स्टेडियम है जहां पर 1956 में ओलंपिक गेम्स भी खेले गए थे एज वेल एज 2006 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स भी इसी पर्टिकुलर ग्राउंड में खेले गए थे. व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेडियम? द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेडियम वाज द मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड वो स्टेडियम है जहां पर क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्स भी खेले गए हैं एंड द
1956 में ओलंपिक गेम्स भी खेले गए हैं। व्हाट वाज द विच इज द मोस्ट फेमस क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा फेमस क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड में कौन सा है? दैट वाज द लॉर्ड्स ग्राउंड। कौन सा है? लॉर्ड्स ग्राउंड है एंड इट इज बिल्ट इन द ईयर 1814 में इसको बिल्ड किया गया था ऑन द नेम थॉमस लॉर्ड। थॉमस लॉर्ड जो है इसके ऑनर है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के, उन्हीं के नेम पे ही इसका नाम रखा गया है लॉर्ड्स ग्राउंड। नेम द अदर नेम ऑफ ईडन गार्डन स्टेडियम। ईडन गार्डन स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है? क्या इस नेम से ही फेमस है? द ईडन गार्डन नेम द अदर नेम वॉज मेका ऑफ इंडियन क्रिकेट। क्या नाम है इसका? मेका ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। ये लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम में भी आता है। द फर्स्ट टेस्ट मैच जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज हुआ था दैट वॉज द वर्ल्ड कप मैच बिटवीन द इंडिया सॉरी दैट वॉज द क्रिकेट मैच बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो क्रिकेट मैच था वो यहाँ पर पहला ऑर्गेनाइज किया गया था एंड द टेस्ट मैच इज वॉज फ्रॉम द 5th to 8th January 1934। और जो ड्यूरेशन थी जब से मैच चला था वो थी 5th जनवरी से 8th जनवरी तक इन 1934। नेम द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है वर्ल्ड का? द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम वॉज अ नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है एंड इट द ओल्डर नेम वॉज द सरदार पटेल स्टेडियम दैट वॉज इन द गुजरात। इससे जो पुराना नाम था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का ही जो पुराना नाम है वो क्या है? सरदार पटेल स्टेडियम। इट वॉज री रेनोवेटेड, इसको रेनोवेट किया गया सो दैट कि जो इसका एरिया है वो एनहांस कर दिया जाए, थोड़ा बढ़ा दिया जाए। द सीटिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो इंक्रीज, सीटिंग कैपेसिटी भी इसकी इंक्रीज कर दी जाए। नाउ इट बिकम्स द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। अब इसकी स्टेडियम की जो कैपेसिटी वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है सीटिंग कैपेसिटी की, ये लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम को भी लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम माना जाता है। पहले इससे पहले जो था वो मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम था बट नाउ इट बिकम्स द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। इससे पहले जो था सेकंड नंबर पे जो आता है वो है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम बिफोर नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले वो फर्स्ट नंबर पे था, आफ्टर द रेनोवेशन ऑफ द सरदार पटेल स्टेडियम एंड मेक द नेम नरेंद्र मोदी स्टेडियम इट बिकम द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम। पहले सरदार पटेल स्टेडियम को जब रेनोवेट किया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम बनाया गया तब से लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है बिकॉज इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 1,13,000 की इसमें सिटिंग कैपेसिटी है। जिसमें फर्स्ट इवेंट हुआ था दैट वॉज द नमस्ते ट्रम्प। नमस्ते ट्रम्प दिस वॉज द फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज इन द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, द लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ द वर्ल्ड। जो सबसे पहला टूर्नामेंट, जो सबसे पहला इवेंट हुआ था इस स्टेडियम के अंदर वो था नमस्ते ट्रम्प। नेम द फर्स्ट सोलर पावर्ड स्टेडियम इन द वर्ल्ड, सबसे पहला सोलर पावर्ड स्टेडियम कौन सा है वर्ल्ड का? इससे बड़ा मतलब जो सबसे बड़ा सोलर पावर्ड स्टेडियम कौन सा है जहाँ पर सोलर लाइट से सारा काम होता है वो कौन सा है? That was a Bengaluru Chinnaswamy Stadium. Bengaluru Chinnaswamy Stadium is the world biggest solar powered stadium. ये world का सबसे बड़ा solar powered stadium है. Name the cricket stadium where Sachin Tendulkar completed his 100th century. उस cricket stadium का नाम बताइए जहाँ पर सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100th century complete करी गई थी. The name of that particular stadium was a Sher-e-Bangla National Stadium in Dhaka, that was in Bangladesh. Sher-e-Bangla National Stadium है नाम और यह ढाका में बांग्लादेश में। At that time, 2011 Cricket World Cup was organized. 2011 Cricket World Cup हो रहे थे, which was hosted by the India, Bangladesh and Sri Lanka, जिसको India, Bangladesh और Sri Lanka मिलकर host कर रहे थे। तब श्रीलंका तब जो है सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100th सेंचुरी कंप्लीट करी थी एंड द डेट वाज द 16th मार्च 2012 वो डेट थी जब सचिन तेंदुलकर ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी थी एंड
These questions are very very important for those students who are giving the sports exams. ये सभी questions उन students के लिए बहुत ज़्यादा important है जो sports exams देते हैं. Specially they choose the game cricket. Specially उन students के लिए जिन्होंने अपनी game जो है वो cricket choose करी है. Still you have any doubt you want to ask any particular type of question regarding different stadiums of the world, you can ask me. Thank you.